थैंक यू वेरी मच। मारू नाम धर्मेंद्र शेठ छे। मेरा नाम धर्मेंद्र शेठ है। माझा नाव धर्मेंद्र आहे। जमापेल धर्मेंद्र। आई एम अ लिटल कन्फ्यूज नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू ऑल सी मी एंड हियर मी? कैन समबडी राइट इन द चैट बॉक्स? I am a little confused because in the beginning somebody started in Gujarati. Bahu saras Gujarati ma sharuat thai. After that somebody started in English. Bahu saras rite angreji ma pan vat thai. Ane mane je Vishal bhai kahyu hatu કે તમે હિન્દીમાં પણ થોડું બોલજો. સો આઈ એમ અ લિટલ કન્ફ્યુઝ વોટ લેંગ્વેજ આઈ શુડ યુઝ. સો વોટ આઈલ ડુ, આઈલ યુઝ ઓલ ધ થ્રી લેંગ્વેજીસ, રાઈટ? એન્ડ લેટ મી શેર માય પ્રેઝન્ટેશન સો દેટ વી કેન કવર ઓલ ધ ટોપિક્સ પ્રોપરલી. યુ કેન રાઇટ ઇન ધ ચેટ બોક્સ વેન એવર આઈ આસ્ક એની ક્વેશ્ચન સો દેટ આઈ કેન સી દેટ. Yeah, can you see the presentation, the first slide? Yes, perfect. Thank you so much. In fact, I am using my mobile and my laptop. So the laptop is the main instrument via which I am presenting, and on the mobile I can see. અત્યારે મોબાઈલ અને લેપટોપ બંને વાપરી રહ્યો છું. એટલે મોબાઈલમાં મને ચેટમાં તમે જે પણ લખશો તે મને દેખાશે, અને લેપટોપ થી હું મેઇન પ્રેઝન્ટેશન આપી રહ્યો છું. સો લેટ સ્ટાર્ટ. ધીસ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ માય ટીચર્સ ડોક્ટર સુધાકર મરાઠે એન્ડ મિસિસ મીરા મરાઠે. દે આર ઇન પુણે. નાઉ સબસે પહેલે અ ફ્યુ સજેશન્સ. વી નો ટેકનોલોજી કેન સમટાઇમ્સ ક્રિએટ પ્રોબ્લેમ્સ ફોર અસ. तो अगर आप डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं. जब आप नहीं बोल रहे तब म्यूट कर देंगे माइक्रोफोन. जैसे दो दिन से चल रहा है वैसे ही अच्छा है. व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन यू कैन शूट दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. लेकिन हम आंसर्स ज्यादातर एट द एंड देंगे. बीच में अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है और अगर आप नहीं सुन सकते या कोई बात समझ में नहीं आती तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में भी आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल से. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू हैव सम फन, ओके, वाया इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. एंड प्रॉब्ली आई हैव अबाउट 40-45 मिनट्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिफ्थ वन, वी आर गोइंग टू हैव सम फन. जी अपनी पास 40-45 मिनट से एमां वी आर गोइंग टू हैव फन. And at the same time, એવા કેટલાક મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરીશું કે જે તમને કદાચ તમારા માટે અથવા તમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી થઈ પડે, રાઈટ? આપકે લિયે યા આપકે સ્ટુડન્ટ્સ કે લિયે ઉપયોગી હોગા. સબસે પહેલે મેં બાત કરુંગા સમ ઓફ ધ પ્રેમિસિસ. પ્રેમિસ કા મતલબ ક્યા હોતા હૈ? પ્રેમિસ મેં આપકો પૂછ રહા હું, લેકિન અભી હમારે પાસ વક્ત નહીં હૈ, ઇસલિયે મેં જવાબ દે દેતા હું. प्रेमिस एक आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आप जिसको बहुत आपकी मान्यता है, दृढ़ मान्यता, जिसको आप इजीली चेंज करने वाले नहीं है, राइट? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने वो प्रेमिस डिसाइड किया. ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस यू डिसाइडेड समथिंग, यू स्ट्रांगली बिलीव इन दैट एंड यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट इजिली. तो वैसे लैंग्वेज टीचिंग के लिए मेरी खुद की जो प्रेमिसिस है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स है, वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूं. द फर्स्ट थिंग इज स्पीच इज सेंट्रल टू लैंग्वेज. आप कोई भी लैंग्वेज ले लो, जितना भी स्टडी कर लो, जब तक आप बोलोगे नहीं, राइट, अनलेस अंटिल यू स्पीक दैट लैंग्वेज, यू विल नेवर एवर बी अ कॉन्फिडेंट यूजर ऑफ दैट लैंग्वेज. सो स्पीच इज सेंट्रल टू एनी लैंग्वेज. गुजरात में ज्यादातर बहुत ये प्रॉब्लम है. स्टूडेंट्स आर नॉर्मली सो मच फसी अबाउट द ग्रामर पार्ट ऑफ इट. हमको ग्रामर सीखना है, बस ग्रामर आवड़े એટલે બધું આવડી ગયું. બટ ધે ડોન્ટ નો ધેટ ગ્રામર ઇઝ જસ્ટ અ પાર્ટ ઓફ એની લેંગ્વેજ, રાઈટ?
एंड इवन द नोशन ऑफ ग्रामर इटसेल्फ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, तो उसकी बात भी हम करेंगे. एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का भी खुद का ग्रामर होता है. एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं आपको. मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट एंड आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, राइट. आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट एंड आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. ये दोनों अगर आप सेंटेंस ग्रामर देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. फिर भी आई वॉन्ट टू प्ले बोला मैंने और आई एंजॉय प्लेइंग बोला, तो ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इंजॉय वर्ब का खुद का ग्रामर है, जिसको हम वर्ड ग्रामर कहते हैं. इनफैक्ट आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 25 इयर्स नाउ सिस्टमैटिकली, तो मैंने देखा है कि जो सेंटेंस ग्रामर होता है, जैसे आप बोलेंगे टेंसेस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, तो वो जो ग्रामर है वो तो 10% ही है. उतना सेंटेंस ग्रामर आने से आप लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 90% जो है वो तो वर्ड ग्रामर है, वर्ड्स का खुद का ग्रामर है, राइट. सो वर्ड ग्रामर इज सो इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश. और मेरी एक दृढ़ मान्यता है कि कोई भी अगर आप वर्ड ले लो, फ्रेज ले लो, सेंटेंस ले लो, और अगर कोई मुझे पूछता है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो मैं उनको बताऊंगा मीनिंग नहीं, लेकिन मैं पूछूंगा क्वेश्चन वेयर. बिकॉज एवरी वर्ड, एवरी फ्रेज, एवरी सेंटेंस हैज अ मीनिंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. वो वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस कहाँ पर यूज हुआ है, उसके आगे पीछे कौन से वर्ड्स है, को टेक्स्ट, तो वो दोनों मिलके एक्चुअल मीनिंग बता सकते हैं. वरना तो वर्ड का सिर्फ मीनिंग पोटेंशियल होता है कि ऐसा हो सकता है. अगर आप मुझे पूछेंगे कि आई का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कोई बोलेगा आई मतलब मैं, मेरी बात कर रहा हूं, राइट, आई एम अ स्टूडेंट तो हूं. आई का मतलब ये पार्ट ऑफ योर बॉडी भी हो सकता है जिससे आप देखते, राइट. आई कैन बी द आई ऑफ ए नीडल, राइट, जो सुई जो धागा जहां से डालते हैं वो, तो वो भी आई बोलते हैं हम. आई ऑफ ए स्टॉर्म भी होता है, राइट. आई एक एनिमल का भी नाम है, और जहां पर वोटिंग करता है वर्बल वोटिंग, वहां पर आई आई सर, वैसे भी आई 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 इज वन इट ऐसा बोलते हैं. तो आई का मीनिंग क्या हुआ, कुछ भी नहीं बता संगे के. सो एवरी टाइम द मीनिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मतलब हु इज स्पीकिंग टू हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई. And cortex means words before and after. Fifth premise, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको अच्छी तरह से सीखने हैं तो यू नीड एक्सटेंसिव एक्सपोजर. बहुत ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा. स्पोकन, रिटन, जो भी लैंग्वेज है उसको आपको आपके कॉन्टेक्ट में आनी चाहिए, वरना नहीं होगा. यू नीड एक्सटेंसिव एक्सपोजर टू गुड क्वालिटी लैंग्वेज, राइट. अगर एक्सटेंसिव एक्सपोजर होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे इंग्लिश, हम अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, कि इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो आप अगर लिखने बैठोगे तो थाउजेंड्स ऑफ रूल्स हो जाएंगे, तो कब याद रख पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रूल्स, थाउजेंड्स ऑफ एक्सेप्शंस टू रूल्स. देन सो द इजिएस्ट वे इज टू फ्लड योर सेल्फ विथ लैंग्वेज. इतनी ज्यादा आपके आसपास इंग्लिश सुनने में या पढ़ने में आनी चाहिए कि बहुत सारी चीज अपने आप ही आ जाएगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी पूछते हैं कि क्या फोकस होना चाहिए, फ्लुएंसी या एक्यूरेसी. तो मेरे ख्याल से दोनों पर ही वर्क होना चाहिए. इंग्लिश में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. हम स्किल्स की बात करने वाले हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों स्किल इंपॉर्टेंट है. वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनंसिएशन, वो सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट. इन गुजराती वी से जत्था बनना व्यापारी, सो लाइक दैट इन इंग्लिश एज ए स्टूडेंट ऑल्सो वी हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग.
सेवंथ इज लैंग्वेज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. मैं 25 साल से कम सीख रहा हूँ, मेरा लर्निंग अभी भी चालू है. आई एम जस्ट ए सीनियर लर्नर ऑफ इंग्लिश. तो मुझे मालूम है कि अभी 25 साल के बाद भी हर रोज इतनी चीज मुझे नई जानने को मिलती है और वेरी ऑर्डिनरी थिंग समटाइम्स. तो अपने आप पर भी कभी ऐसा लगता है कि क्या किया इतने साल. सो इंग्लिश इज सच अ ह्यूज लैंग्वेज. यू कैन नेवर एवर फिनिश द होल स्टडी. यू कैन नेवर डू इनफ फॉर द लैंग्वेज. एंड द लास्ट थिंग इज लैंग्वेज लर्निंग इज फन. अगर आप एंजॉय करेंगे तभी आपका लर्निंग चालू रहेगा. अगर आप टीचर है तो आपके स्टूडेंट्स के लिए भी आपको फन ढूंढना है. लैंग्वेज में से फन कैसे ढूंढना है वो आज हम बात भी करेंगे. सबसे पहला ये मेरा मेजर पॉइंट है. व्हाई इज इंग्लिश डिफिकल्ट फॉर मोस्ट लर्नर्स. मैं सिर्फ हमारी गुजराती लर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियन लर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी पूरे मतलब ऑल नॉन नेटिव लर्नर्स ऑफ इंग्लिश. हम लोग जो है वो नॉन नेटिव लर्नर्स ऑफ इंग्लिश है. इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग, राइट. तो हम लोगों के लिए इंग्लिश डिफिकल्ट क्यों है ज्यादा. मैं प्राइमरी लेवल की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो अपने आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रियल कमांड ऑफ लैंग्वेज. तो वो डिफिकल्ट क्यों है, तो उसके लिए मेरे जो टीचर है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम में पहले थे डॉक्टर रिचर्ड कॉडवेल, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे ये सिखाया था और मैं लिंक भी दूंगा आपको जहां से आप पढ़ पाएंगे वो डिटेल में. तो इंग्लिश डिफिकल्ट इसलिए है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं ज्यादातर स्कूल में जनरली अप टू इवन हायर सेकेंडरी, तो हमारी जो स्टाइल है वो ग्रीन हाउस स्टाइल जैसी होती है. वो कैसे है कि हर आपने ग्रीन हाउस देखा होगा कि जिसमें हर प्लांट है उसका एक सेपरेट पॉट रहेगा, उसके अंदर अपनी खुद की मिट्टी रहेगी, उसकी केयर रखने वाला एक पर्सन रहेगा. आई थिंक किसी का माइक्रोफोन की आवाज आ रही है. एनीवे, सो ये ग्रीन हाउस स्टाइल जो है हमारी लैंग्वेज लर्निंग में प्राइमरी लेवल में स्कूल लेवल में होती है. जैसे एक टेंस लिया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सेपरेट कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया तो वो कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया तो वो कर दिया. तो वो सब सेपरेट इंडिविजुअल आइटम्स हम स्टडी करते हैं एंड दैट इज नॉट ए गुड आइडिया एट अ हायर लेवल. प्राइमरी लेवल पे ठीक है अगर आप ये ग्रीन हाउस स्टाइल पे रहेंगे, बाद में आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा. जैसे आप IELTS या TOEFL वैसी कोई एग्जाम देते हैं या हायर लेवल अपर इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको ये गार्डन स्टाइल में आना पड़ेगा कि जहां पर प्लांट्स आर ऑल टुगेदर, देयर इज अ गार्डनर डेफिनेटली हु लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, देयर इज अ प्लांट गार्डनिंग ऑल्सो, बट स्टिल इट इज नॉट द आइडियल रियल लाइफ सिचुएशन, राइट. तो हम लोग जो BBC में अगर स्टूडियो पर जो सुनते हैं तो वो भी एक गार्डन स्टाइल वे हो गया. अगर कोई लैंग्वेज स्टडी मटेरियल आप यूज करते हैं जिसमें ऑडियो है वीडियो है तो वो भी गार्डन स्टाइल हो गया, वो रियल लाइफ लैंग्वेज नहीं है. रियल लाइफ लैंग्वेज कहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर आएगी, द जंगल स्टाइल, राइट. सो व्हेन यू टॉक टू, आई थिंक द स्लाइड हैज स्टॉप्ड, आई विल वेट फॉर अ सेकंड. आपको थर्ड स्लाइड दिख रही है प्लीज, कैन एनीवन टेल मी? यस सर, जंगल स्टाइल विजिबल, इट इज विजिबल, यस. कैन यू सी? ओके, या गुड. सो मेबी सम पीपल कैन सी, सम पीपल कैन नॉट. एनीवे, सो आई होप दिस थ्री पार्ट्स आर क्लियर. थ्री स्टाइल्स, ग्रीन हाउस स्टाइल, गार्डन स्टाइल एंड जंगल स्टाइल. Yes. So, at an advanced level, we have to refer to authentic, natural, spontaneous, real life language. मतलब जो language वो naturally use होता है, वही language को आपको
सीखना है और उसी के आधार पर आपको अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना है, राइट। नाउ आपको लगेगा बहुत थियोरेटिकल अभी हो रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं एंड बी रेडी टू स्माइल। अगर आप अकेले हैं यू कैन स्माइल और लाफ, द वेट इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इफ यू आर इन अ पेयर विद अ फ्रेंड, आई एम गिविंग यू सजेशंस हाउ टू स्माइल, द चॉइस इज योर्स। एंड इफ यू आर इन अ ग्रुप यू कैन स्माइल द वे इट इज शोन इन द थर्ड पिक्चर, ओके। बट इन एनी केस इफ योर सिचुएशन इज लाइक द पर्सन ऑन द लेफ्ट, देन इट विल बी like the person on the right, okay. Are you ready? You can write in the chat option so that I can see. Yeah, fine, thank you. So let's play with English. ये slides move होने में थोड़ा वक्त लगता है। Okay, on your screen there is a slide, and if you are intelligent, you fill this blank with yes or no. Now you must have realized that whether you use yes or no, you are in trouble, right? ये जो सेंटेंस है उसमें आप यस सिलेक्ट करेंगे या नो सिलेक्ट करेंगे, दोनों में आप मुश्किल में आने वाले हैं। इफ यू से यस आई डोंट हैव अ ब्रेन तो भी आप मुश्किल में है, नो आई डोंट हैव अ ब्रेन तो भी प्रॉब्लम है। तो ये फन है लैंग्वेज के अंदर। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो लैंग्वेज अच्छी तरह जानते हैं वो लोग लैंग्वेज से ऐसे प्ले करते हैं। वो बोलेंगे आई एम नॉट लेजी, मैं लेजी नहीं हूं, आई एम ऑन माय एनर्जी सेविंग मोड, राइट। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्टैंड आउटसाइड, सो इफ एनीवन आस्क्स टेल देम आई एम आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर फन क्या है, जो बोल रहा है वो स्टैंड और आउट को मिला के आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग का मतलब इंग्लिश में होता है एक्सलेंट, तो यहां पर ऐसे फन क्रिएट करते हैं। अभी देखते हैं साउंड में क्या होता है। हमारे साउथ गुजरात में तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स और श का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो स और श को डिफरेंट नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए सेम और शेम सेम होते हैं। तो अगर स्कूल में अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो एक स्टूडेंट बोलता है कंग्रेचुलेशंस और दूसरा स्टूडेंट उसको बोलता है शेम टू यू। एक्चुअली वो बोलना चाहता है सेम टू यू, लेकिन स वो नहीं बोल पाता तो श बोल देता है। तो इंग्लिश में क्या है कि एक लेटर भी अगर चेंज हो गया, एक साउंड अगर आपका चेंज हो गया, एक पंक्चुएशन मार्क भी अगर आपका चेंज हो गया, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो इन इंग्लिश वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, नॉट जस्ट इंग्लिश, एक्चुअली अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसलिए ठीक है, वरना कोई भी लैंग्वेज में आप संस्कृत भी की बात करते हैं तो स्वजन और स्वजन में डिफरेंस है, सकलम और शकलम में डिफरेंस है, राइट। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये रियल लाइफ सिचुएशन है। एक प्रोग्राम में मैं गया था, मेरे बाजू में एक चेयर खाली थी, तो एक मेरे पास एक आदमी आया वेल ड्रेस्ड, यू नो टाई बाई लगा के बहुत बढ़िया एकदम। तो उन्होंने बताया Can I sit here?
मैंने उनको बोला भाई यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक, आई एम गोइंग टू चेंज माय प्लेस, बिकॉज दैट पर्सन ही कुडंट स्पीक सिट एंड शिट सेपरेटली, राइट, ही कुडंट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू साउंड्स. सो उससे भी लैंग्वेज में ह्यूमर जनरेट होता है. बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर होंगे, तो टीचर्स के लिए एक मैं इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज देता हूँ. आपने ऑलरेडी शायद पहले यूज की भी हो सकी है. आपके स्क्रीन पर एक सेंटेंस है. मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये सेंटेंस आप डिफरेंट वेज में बोलने का ट्राई कीजिए. आप कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, उसको ज्यादा फोर्स देके बोलिए और बाकी सब जो है उसको सॉफ्ट करके बोलिए. तो ये दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू ड्रॉ लर्नर्स अटेंशन टू द फैक्ट दैट वर्ड्स ऑन पेपर डू नॉट कन्वे मीनिंग अनलेस यू अटर देम. आप बोलेंगे तभी उसका करेक्ट मीनिंग क्या है वो मालूम पड़ेगा. तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आप फर्स्ट जो वर्ड है उसको आप स्ट्रेस देंगे, आई नेवर सेड शी स्टोल माय रिंग, समबडी एल्स सेड, आई नेवर सेड दैट, राइट. सेकंड, आई नेवर सेड शी स्टोल माय रिंग, हु टोल्ड यू, आई नेवर सेड दैट. थर्ड लेंगे, आई नेवर सेड शी स्टोल माय रिंग, आई जस्ट सेड. यू सी द डिफरेंस इन मीनिंग. फोर्थ, आई नेवर सेड शी स्टोल माय रिंग, आई सेड समबडी एल्स स्टोल माय रिंग. सेम वर्ड्स बट डिफरेंट स्ट्रेसेस एंड डिफरेंट मीनिंग्स. आई नेवर सेड शी स्टोल माय रिंग, I said she took my ring. So here the meaning is different. I never said she stole my ring. I said she stole somebody else's ring. Last, I never said she stole my ring. I said she stole my purse. Isn't it interesting? So, the way you stress a particular word, जो भी word पे आप stress देंगे उसके हिसाब से meaning होगा, right? चलिए एक step आगे बढ़ते हैं. आप सब ready हो जाइए, आपको answer देना है. मैं screen के ऊपर कुछ दिखाऊंगा questions, आपको immediately answer देना है. आपको बोलना है तो बोल भी सकते हैं, आपको chat box में लिखना है तो लिख भी सकते हैं, राइट. बहुत जल्दी करना पड़ेगा. लेकिन आपको अगर आपके साथ कोई दोस्त बाद में बैठा है तो उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. ओके, रेडी? यस. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्विच ऑन? आप इमीडिएटली लिख सकते हैं. यस, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने लिख दिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. So, lively audience, very nice. Okay, next question. What is the opposite of turn on? Oh, very quick. So many responses so quickly. Excellent. Okay, next question. What is the opposite of put on? Very quick. Yeah. But here we have a serious problem. And what is the problem? The opposite of put on is not put off, not even put out. Somebody has written put out. It is not even put out. Put on means to wear, and the opposite of put on is take off. You take off your shoes. आप अगर मंदिर में कहीं पर जाते हैं तो यू टेक ऑफ योर शूज. घर के अंदर आने से पहले यू टेक ऑफ योर शूज. एट द एंड ऑफ द डे यू माइट टेक ऑफ योर शर्ट, पुट ऑन सम नाइट ड्रेस. तो पहनना है उसके लिए आप पुट ऑन बोलते हैं, और निकालने के लिए ऑपोजिट जो है वो पुट ऑफ नहीं है, वो टेक ऑफ है. पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, राइट.
आपकी मीटिंग मंडे है और कुछ प्रॉब्लम है तो मंडे की बजाय आप वेंसडे कर देते हैं, तो आप पोस्टपोन करते हैं, तो पोस्टपोन के लिए पुट ऑफ यूज होता है। और किसी ने लिखा था पुट आउट, तो पुट आउट का मतलब भी अलग होता है। पुट आउट दैट लैम्प, आई डोंट रिक्वायर दैट लैम्प, पुट इट आउट, तो पुट आउट का मतलब वो हो गया। तो ये जो टॉपिक है इंग्लिश में, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है, आप एक वर्ब ले लीजिए पुट, तो पुट के पीछे जो भी आप प्रपोजिशन लगाएंगे उसके हिसाब से उसका मीनिंग हो जाएगा, राइट। पुट ऑफ तो पोस्टपोन, पुट आउट तो बुझा देना, राइट। यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू मस्ट पुट बाय सम मनी फॉर योर ओल्ड एज, तो सबका मीनिंग्स डिफरेंट है। यू पुट फॉरवर्ड अ सजेशन, राइट। चलिए एक नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, अभी वर्ड्स के ऊपर जाएंगे। स्क्रीन के आपको आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट, ये दो वर्ड सिमिलर है या ऑपोजिट है आपको लिखना है। ओके, ऑपोजिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स ऑपोजिट लिख रहे हैं। व्हाई, क्यों ऑपोजिट क्यों बताया आपने? चैट में लिख सकते हैं कोई, अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट, ये दो जो वर्ड्स है वो आपने लिखा ऑपोजिट से, बराबर, मैं मानता हूँ ऑपोजिट से, लेकिन क्यों? हाँ, सुमैया ने आंसर दिया है, उसके आगे हम इन लगाते हैं, इन प्रीफिक्स जो है वो ऑपोजिट बनाता है, सही है। तो अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट वो दोनों ऑपोजिट हो गए। यस मनीषा बेन, करेक्ट, ऑपोजिट। आगे जाएंगे, नेक्स्ट, ये दो वर्ड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेंसिटिव, इनसेंसिटिव, अगेन द थिंग, आशा, यस, शिवानी, साम्या, श्रुति, यस, दे आर ऑपोजिट, क्रविशा, हिरल, फैंटास्टिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पेयर, व्हाट अबाउट दीज टू वर्ड्स, फ्लैमेबल, इनफ्लैमेबल? नाउ जानवी, जूली, पूजा, भैरवी, एमवीडी, हियर वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है? दीज टू वर्ड्स, विशाल यू आर राइट, दीज टू वर्ड्स आर एक्चुअली सिमिलर। इन लगाने से ये दो वर्ड्स ऑपोजिट नहीं होते, फ्लैमेबल एंड इनफ्लैमेबल, दे आर द सेम। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जो केमिकल ले जाने वाले टैंकर्स होते हैं उसके पीछे या साइड पे लिखा होता है हाईली इनफ्लैमेबल, राइट। और श्रुति पूछ रही है कि ऐसा क्यों है, किसी और को जानना है ऐसा क्यों है? यस, ओके, मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द आंसर एंड आई टेल यू द आंसर, इंग्लिश इज इंग्लिश, दैट्स माय आंसर। In English, there are hundreds and thousands of illogical things. There is no logic at all. Logic first letter se hi nahi hai. Aapko malum hoga English ke first letter se hi there is no logic at all. First letter kaun sa hai English ka? Aap chat box mein likhenge. Ideally to bolna chahiye, lekin agar aap likhenge to acha rahega. What is the first letter of the English language? Aap chat box mein likhenge. What is the first letter of the English language? Yes. Yes. The first letter is A. Right? A. Now, agar aap words sochiye ki kaun se word mein A aata hai aur uska pronunciation kya hota hai. To A ka agar word banate hain able. To able mein A aaya. Agar main bolta hu ask to usme A ka pronunciation change ho gaya. अगर मैं बोलता हूं एप्पल तो ए हो गया, अगर मैं बोलता हूं ऑल तो ओ हो गया, मैं बोलता हूं एबिलिटी तो अ हो गया। तो लेटर ए का प्रोनंसिएशन हर वर्ड में जैसे अलग हो सकता है, राइट। आप और कोई लेटर ले लीजिए, टी लीजिए, टी का नॉर्मल प्रोनंसिएशन होता है टी एज इन टीचर, राइट, थ।
टी इन नेशन श, टी इन नेचर च, राइट, टी इन लिसन, क्या हो गया, चला गया साउंड ही, राइट। सो ए का प्रोनंसिएशन अकॉर्डिंग टू द वर्ड डिफरेंट हो जाता है, इट इज नॉट फिक्स। नाउ कंपेयर दिस इंग्लिश विथ योर लैंग्वेज, एनी इंडियन लैंग्वेज, आप हिंदी की बात करो, गुजराती की बात करो, मराठी की बात करो, ये सब सिस्टर लैंग्वेजेस है, तो ये सब लैंग्वेजेस के अंदर क अगर होता है तो हर वर्ड में उसका प्रोनंसिएशन क ही रहेगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लिसन में टी तो चला गया साइलेंट, राइट। सो इंग्लिश इज स्ट्रेंज, इट इज इलॉजिकल। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उसका अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई, तो मेरा आंसर एक ही होगा, इंग्लिश इज इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश के रूल्स जानने ही नहीं, नहीं जानने तो पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आपको जानने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड जो थी उसके बारे में एक बार बता दूं फिर से, राइट, ओके, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए साउंड्स की बात करते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड पी यू टी। अभी तो मैं आपको बोलना नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं ही बोल लेता हूं आपके बदले, पी यू टी इज स्पोकन एज पुट, बी यू टी इज स्पोकन एज बट। आशा सेड समथिंग राइट, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं लेकिन साउंड्स बहुत सारे होते हैं, कितने होते हैं, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आशा इफ यू कैन आंसर चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं कोई, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। किसी ने लिखा होगा तो भी मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, या समबडी हैज सेड आई थिंक 44, यस कविशा, आशा, योर आंसर्स आर करेक्ट, या इन इंग्लिश। नाउ व्हेन आई से इंग्लिश आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज़ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश, राइट, इंग्लिशेस तो बहुत सारे होते हैं, हमारे सूरत में भी चार पांच इंग्लिशेस है। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड इंग्लिश होगा या ब्रिटिश होगा या अमेरिकन होगा, तो उसके हिसाब से अपने अपने साउंड्स होते हैं, सेट होता है। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो होता है, जिसको हम आप ही बोलते हैं, रिसीव प्रोनंसिएशन, वो एक नाम दिया गया है। तो आप ही के अंदर 44 साउंड्स है, उसके अंदर 24 कॉन्सोनेंट्स है और 20 वाउल साउंड्स है। वाउल्स में फिर भी वो दो ग्रुप में आते हैं, वो प्योर वाउल साउंड्स आते हैं और डिप्थोंग्स आते हैं, तो वो डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं बाद में, लेकिन दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया। तो प्यूटी अगर आप बोलते हैं तो पुट, ब्यूटी को बुट नहीं बोलेंगे लेकिन बट बोलेंगे, और थर्ड जो है बी यू आर वाई, उसको आप बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है या तो इसको हम बोलेंगे बेरी। मुझे मालूम है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने हिसाब से कुछ भी बोला होगा, कोई बरी बोलता है, कोई ब्यूरी बोलता है, कोई बरी, लेकिन करेक्ट प्रोनंसिएशन इज बेरी। नाउ व्हेन आई से करेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ब्रिटिश वैरायटी ऑफ इंग्लिश व्हिच इज गिवन इन डिक्शनरीज, राइट, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, कॉलिंस, ये सब जो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक डिक्शनरीज है उसके अंदर जो दिया होता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं ब्रिटिश प्रोनंसिएशन। तो ये जो है पुट, वो गुड और लुक के हिसाब से उसके तरह बोला जाता है, सो पुट गुड लुक। नेक्स्ट जो है स्लाइड, बट, कट और सन, उसके अंदर आ साउंड है, और थर्ड स्लाइड जो है, थर्ड सेट जो है उसके अंदर है बेरी, टेरी और चेरी। सो यू जो लेटर है उसका थ्री डिफरेंट प्रोनंसिएशंस हमको यहां पर दिख सकता है, राइट। चलिए एक पंक्चुएशन मार्क्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया आगे इंग्लिश में तो सब इंपॉर्टेंट है
listening, speaking, reading, writing, vocabulary, grammar, pronunciation, punctuation marks, everything is important. तो चलिए punctuation marks की बात करते हैं. मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ये सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है तो आपको लगाना है अपने हिसाब से, राइट? आपको पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करना है. या somebody is asking berry and berry same? Yes, both the berries are same in pronunciation. Yes. Okay, ये जो sentence मैंने दिया है आपको punctuation marks use करके बताना है. अभी मैं सब answers देख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक incident आपके साथ share करना चाहता हूँ कि ये sentence मैंने एक बार एक school में दिया था जिसमें boys और girls दोनों थे. तो बॉयज का आंसर और गर्ल्स का आंसर दोनों का अलग था, लेकिन दोनों सही थे. तो कैसे थे मैं बताता हूं. सबसे पहले देखिए गर्ल्स का ये आंसर था, गर्ल्स सेड बॉयज आर यूजलेस. फिर देखिए बॉयज का आंसर, बॉयज का आंसर था गर्ल्स सेड बॉयज आर यूजलेस. तो आपने देखा होगा कि दोनों आंसर्स करेक्ट है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग है, राइट? सेम वर्ड्स बट पंक्चुएशन मार्क्स आर डिफरेंट. अगर कोई बोलता है पंक्चुएशन मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? सभी चीज लिंग्विस्टिकली हर चीज इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं जो रियल लाइफ सेंटेंस है. Many participants have responded. I am very happy. Good. आपको स्क्रीन पे जो दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं उनका मीनिंग सेम है या डिफरेंट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. KDC चुटासमा डिफरेंट, हिरल डिफरेंट. अच्छा आप जो डिफरेंट लिख रहे हैं तो आप कैसे डिफरेंट है वो भी बता पाएंगे क्या? पंक्चुएशन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, फाइन, बट टोटली डिफरेंट, वेरी गुड, बट हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस इन मीनिंग? अगर कोई पूछेगा आपको कि पहले ग्रुप में अगर 100 स्टूडेंट्स है तो टोटल 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 में से कितने स्टूडेंट्स आगे गए पहले सेंटेंस में और कितने स्टूडेंट्स आगे गए दूसरे सेंटेंस में? नियति, आई अंडरस्टैंड पंक्चुएशन मार्क्स तो डिफरेंट है, लेकिन उसका मीनिंग में क्या फर्क आता है? अल्टीमेटली मीनिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज फॉर मीनिंग, राइट? ग्रामर भी किसके लिए? मीनिंग के लिए. प्रोनंसिएशन किसके लिए? मीनिंग के लिए. एवरीथिंग इज फॉर मीनिंग अल्टीमेटली, राइट? तो मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उनमें से सेंटेंस ए के अंदर कितने आगे गए और सेंटेंस बी के अंदर कितने आगे गए? यस मनीषा बेन, इन स्पीकिंग द सेंटेंस चेंज इज फाइन, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन मीनिंग? चलिए मैं आपको आंसर दे ही देता हूं क्योंकि अभी वक्त की कमी के हिसाब से. देखिए मैंने आंसर आपको दे दिया है स्क्रीन पे. पहले सेंटेंस के अंदर कॉमास का मैंने प्रयोग नहीं किया, उसके उसका मतलब ऐसा हुआ कि टोटल जो 100 स्टूडेंट्स थे उसमें से 80 अप्रोक्सीमेटली को मालूम था रास्ता, तो 80 स्टूडेंट्स ही आगे गए. तो ये जो क्लॉज हुआ हु न्यू द वे जिसमें कॉमास नहीं दिया तो उसको हम डिफाइनिंग क्लॉज बोलते हैं. तो वो डिफाइन करते हैं कि 100 में से कितने आगे बढ़े. और अगर हम कॉमास का यूज करते हैं, जो भी क्लॉज है आपका उसको कॉमास से आप सेपरेट करते हैं, तो उसका मीनिंग हुआ कि 100 स्टूडेंट्स थे वो सबको वो रास्ता मालूम था, वो 100% वो आगे बढ़े.
राइट. सो ये हमारा डिफरेंस हो जाता है पंक्चुएशन मार्क्स से. नाउ अगर आप कोई पूछे बोलेगा कि पंक्चुएशन मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे? उनको बोलना कि हर चीज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज, राइट. तो फर्स्ट जो क्लॉज था ए के अंदर, उसको हम डिफाइनिंग क्लॉज बोलते हैं, और बी के अंदर जो क्लॉज होता है उसको हम एडिशनल क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बोलते हैं. तो वो मीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. ग्रामर इज अल्टीमेटली फॉर मीनिंग, राइट. चलिए एक लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज देता हूं मैं आपको, और ये एक्सरसाइज हर लेवल के स्टूडेंट या टीचर या प्रोफेशनल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. आपको स्क्रीन पे देख के डर आ गया होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हॉरर दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, स्कल दिख रहा है. डोंट वरी, इट इज अ लिंग्विस्टिक हॉरर, सो यू विल एंजॉय. आपको ये पैराग्राफ के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स है वो आपको ढूंढना है, आपको शर्लॉक होम्स बनना है. आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पैराग्राफ? यस, फाइन फाइन. आपके पास अगर कागज पेन है तो वो उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, या मन में भी आप अगर सोचते हैं कि लिख सकते हैं. जितनी भी मिस्टेक्स आपको लगे हर लेवल की, आप ढूंढिए इसके अंदर से. मैं आपको 3 मिनट का वक्त देता हूं, 3 मिनट्स. आपने एक बार पूरा देख लिया होगा तो अप्रोक्सीमेटली कितनी एरर्स उसमें है, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. यस, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं, वेरी नाइस. यस, मैं बहुत सारे आंसर्स में देख रहा हूँ. यस, केडीएस छोटा सामान है, बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी दे दिए हैं. कृष्णा ने दिए हैं, जय माता जी, विशाल, ओके. फाइन, चलिए अभी एक के बाद एक सेंटेंस देखते हैं. कोई अगर अप्रोक्सीमेटली लिखेगा चैट बॉक्स में कितनी मिस्टेक्स आपने आइडेंटिफाई की इसके अंदर, नंबर लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 7 से 8, रीटा 5, चेडी सी सुडा समा 8, 8, ओके. एनीवन एल्स अप्रोक्सीमेटली? नियति 7, कृष्णा 5 to 6, ओके फाइन. टीचर्स भी पार्ट ले सकते हैं इसके अंदर, कोई भी टीचर पार्ट ले सकता है, कोई भी पार्टिसिपेंट पार्ट ले सकता है. और अगर कोई फ्यूचर में फेसबुक में या यूट्यूब पर अगर देखता है तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पहले एक्सरसाइज करें, बाद में आंसर देखें, क्योंकि दिस वन पर्टिकुलर पैराग्राफ कैन चेंज द वे यू लुक एट द लैंग्वेज. आपकी एक्यूरेसी, आपकी इंट्रोडक्शन में बहुत फर्क आ जाएगा. इंग्लिश के बहुत सारे जो फाउंडेशन टॉपिक्स है इसके अंदर कवर हो जाता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो भी अच्छा है. KDS Chudasama is very smart. He is saying that there can be more than 10. Achha, more than 10 to 20, 50, 60 bhi ho sakti hai. Anyway, fine. Chaliye, main aapko bata deta hun. Ye, Jignesh kya bolte hai? Okay, yes. Koi ne prashna puchhu hai to apan puchhi shake se, vandho nahi. Yes, fine. Okay, are you ready to see the answers? Are you curious to know the answers? Yes, fine. Okay. Again, I'm telling you, this is probably the most important slide for today's presentation. Ye slide agar aapke dimag mein fit ho gayi, to your English will improve and your students' English also will improve if you are a teacher.
इंग्लिश इन द सेंस यू विल लर्न हाउ टू लर्न, राइट। चलिए मैं बता देता हूं आपको, इसके अंदर 20 एरर्स है, 20। मैंने हाईलाइट किए जो भी एरर्स, वो हम एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर माइसेल्फ वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हम यूज नहीं कर सकते। मैं आपको हर सेंटेंस का आंसर भी दूंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो माइसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो ऐसे यूज करते हैं जहां पर आई यूज करते हैं, जैसे आई वेंट देयर माइसेल्फ, आई रोट इट माइसेल्फ, आई डिड दैट वर्क माइसेल्फ। तो विदाउट आई माइसेल्फ का प्रयोग तो होगा ही नहीं, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है मिस, मिस्टर और मिसेस, ये जो तीन टाइटल्स है वो हम सरनेम के साथ यूज करते हैं या नेम और सरनेम के साथ यूज करते हैं, वी डू नॉट यूज इट अलोन फॉर नेम्स, राइट। तो यहां पर मिस किता ऐसा इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर कैन बी आई एम गीता और माई नेम इज गीता, और अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो एक तीसरा भी ऑप्शन है, दिस इज गीता, राइट। सेकंड सेंटेंस है जिसके अंदर 6 years, 6 साल से कोई आदमी कहीं पर काम कर रहा है, राइट। तो 6 years मतलब पास्ट टू प्रेजेंट हो गया। The word every day as one word is an adjective. और हमको यहाँ adjective नहीं चाहिए, हमको तो adverb चाहिए, क्योंकि practice कैसे करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको 2 words लिखने पड़ेंगे, every day. Every day one word is different from every day. Every day one word जो adjective होता है वो noun के आगे हम use करते हैं, that's an everyday problem, right? That's an everyday issue. तो वो अलग है, लेकिन हाँ हमारे हमको यहाँ पर चाहिए एडवर्ब, आई प्रैक्टिस इट एवरी डे, आई गो टू माई स्कूल एवरी डे। सो 2 words आपको लिखने पड़ेंगे एवरी डे। नेक्स्ट जो है कुड, कुड हम जनरली पास्ट जनरल एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, हम कोई एक इवेंट के लिए या एक एक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड रन फास्ट, When I was a child, I could draw well. तो वो मेरी पास्ट की जनरल अबिलिटी थी, लेकिन कल अगर मैं कुछ कर पाया था तो उसके लिए could use नहीं करते, हम was able to या were able to use करते हैं। तो yesterday I was able to draw a nice picture. Yesterday I was able to study for 10 hours. Right? So could और was able to का ये थोड़ा difference है। Next जो है in spite ऑफ, इसमें इन और स्पाइट सेपरेट वर्ड्स होने चाहिए, ये वन वर्ड नहीं है। इंस्टेड ऑफ में 2 words होते हैं, इंस्टेड और ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ में 3 words होते हैं, इन स्पाइट और ऑफ, राइट। नेक्स्ट, कैनॉट इज ऑलवेज रिटन एज वन वर्ड, बाकी जो भी मॉडल्स है, मे नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, बाकी सब मॉडल्स को आप 2 words में लिख सकते हैं, लेकिन cannot को आप 2 words में नहीं लिख सकते, आपको एक ही वर्ड में लिखना पड़ेगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है मैं जवाब क्या देने वाला हूं, इंग्लिश इज इंग्लिश। सो cannot इज अ स्पेशल modal auxiliary, इन द नेगेटिव फॉर्म इट इज रिटन एज वन वर्ड, cannot। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है तो कांट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैनॉट एक वन वर्ड है। नेक्स्ट है अवॉइड के पीछे हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, अवॉइड टॉकिंग टू दैट पर्सन, अवॉइड गोइंग आउट विदाउट विदाउट वेयरिंग अ मास्क। तो अवॉइड का जो ग्रामर है, वर्ड का ग्रामर है, वो ऐसा बोलता है कि मेरे पीछे आईएनजी फॉर्म ही आपको यूज करना है अगर कोई वर्ब है तो, राइट। तो अवॉइड के पीछे आईएनजी लिखना है।
और दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टेक वर्ड जो है उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, डू यूज नहीं होता। ये इंग्लिश का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कोलोकेशन, वर्ड पार्टनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कोलोकेशन, मिस्टेक नाउन के साथ डू वर्ब नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि यस्टरडे आई डिड अ मिस्टेक, तो हम बोलेंगे यू आर मेकिंग अनदर मिस्टेक। एक तो ओरिजिनल मिस्टेक और दूसरी ये लैंग्वेज की मिस्टेक। तो डू के बदले हमको यूज करना पड़ेगा मेक, और ये मेक जो है वो अवॉइड के पीछे आ रहा है, उसके लिए हमको आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर होगा अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, राइट। और नेक्स्ट जो है एल्डर, ये वर्ड एल्डर हम एज की कंपैरिजन के लिए नहीं यूज करते हैं। एल्डर सिर्फ हम कोई नाउन के आगे ही यूज करते हैं, जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज माई एल्डर सिस्टर। एज को कंपैरिजन करने के लिए एल्डर का यूज नहीं होता, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं ओल्डर और यंगर। तो हम यहां पर यूज करेंगे ओल्डर, और देन का स्पेलिंग आपको मालूम पड़ गया आगे, टी एच ए एन, जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो। और सेकंड लास्ट जो है आई लुक फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जिसके पीछे आई एन जी फॉर्म ही लेना है, फिक्स्ड है ये। ये वर्ड ग्रामर का पॉइंट आ गया फिर से। देखो यहाँ पर कितने बड़े, कितने ज्यादा पॉइंट्स में वर्ड ग्रामर आता है। तो लुक फॉरवर्ड टू के पीछे आपको आई एन जी फॉर्म ही कंपल्सरी यूज करना है, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। तो लुक फॉरवर्ड टू प्लस आई एन जी फॉर्म ही आएगा। और लॉट जो वर्ड है उसके आगे ए लिखना पड़ेगा या फिर पीछे एस लिखते हैं, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ऐसा हम यूज करते हैं जनरली। तो आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर। तो आपको मालूम पड़ा होगा कितनी सारी एरर्स एक पैराग्राफ में होगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, कभी आईएल्स या कोई एग्जाम दे के आते हैं तो बाद में बोलते हैं मैंने दो पेज का ऐसे लिखा फिर भी मेरे टीचर ने इतनी मार्क दिए या फेल कर दिया। तो उसका रीजन ये होता है कि कितना लिखा दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ द क्वालिटी दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। और आपने देखा होगा कि ये जब ये सेंटेंसेस है ये हम डेली लाइफ में यूज करते ही हैं, दिस आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस। ये हाईफाई एडवांस ग्रामर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, दिस इज समथिंग वेरी फंडामेंटल टू द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो ये पूरा एडिटेड जो आंसर होगा ये ऐसा लगेगा, माई नेम इज गीता, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 6 years, टू माई माइंड इंग्लिश इज बेटर देन फ्रेंच बिकॉज इट्स यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, बिकॉज इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इट इज लाइक द स्पीच। इन स्पीच समटाइम्स वी यूज क्लेफ्ट सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आई प्रैक्टिस इट एवरी डे, यस्टरडे आई वॉज एबल टू स्टडी फॉर 10 hours, in spite of that, 3 words, I still cannot avoid making mistakes. My teacher is older than me. I look forward to learning a lot from her, right? So have you seen that next screen? Are you able to see the corrected edited answer on your screen? Yes, perfect. Now let's go to the next slide. Vishal, can you unmute and say how much time do I have, or can I take questions straight away? Sir, you can go on for 10 more minutes. It is not a problem. Okay, final 10 minutes. But I hope participants keep their questions with them and they can ask. They should be given a chance to ask. Sir, we are noting down their questions, sir, from the chat box. Excellent. And they would also be allowed to ask by unmuting themselves as well. Excellent. Yeah. Wonderful. Fine. Yeah. So at the end, I will just summarize. In fact, every topic, as you know, can take hours and hours and hours. For example, listening. If I talk about listening, मेरा तो PhD listening comprehension पे है, तो मैं तो 3 घंटे का lecture इसके ऊपर दे सकता हूँ। लेकिन from the practical point of view, एक मैं tip दूंगा जो हमारे मेरे teacher ने आगे मेरे को बताई थी, जो the greenhouse style, the garden style और jungle style। तो मैं strongly recommend करूँगा जो भी students हैं यहाँ पर जो English अच्छी करना चाहते हैं,
तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप नॉर्मल नेचुरल स्पॉन्टेनियस फ्लुएंट इंग्लिश जो है वो आप सुनिए। जैसे टीवी पर एक कोई बीबीसी के ऊपर एक डिबेट चल रही है, नॉर्मल स्क्रिप्टेड नहीं। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ लैंग्वेज। इवन मूवीज के अंदर भी जो आती है वो भी स्क्रिप्टेड होती है, तो वो भी नेचुरल रियल लाइफ नहीं होगी। लेकिन कोई डायलॉग है, डिस्कशन कोई चैनल पे हो रहा है, बीबीसी या डिस्कवरी जैसी गुड चैनल के ऊपर, तो वो रियल लाइफ इंग्लिश को आप सुनिए। वो एक अच्छी टिप है। और दूसरी एक जो टेक्निक जो मुझे बहुत ही एडवांटेजियस लगी है वो है लिसनिंग फॉर इच एंड एवरी वर्ड। जैसे एक स्मॉल पैराग्राफ आपने ले लिया, कोई भी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट पे से आपने डाउनलोड कर दिया, बीबीसी है, ब्रिटिश काउंसिल है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स पे बहुत अच्छे अच्छे 2-3 मिनट के वीडियो ऑडियो देते हैं वो, तो आप एक डाउनलोड कर दीजिए। सिर्फ एक से 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो, सिर्फ इतना ही चलेगा। ये ऑडियो को आप लिसन सुन के उनके हर एक वर्ड को लिखने का ट्राई कीजिए। अगर आपने ऐसी एक्टिविटी नहीं की कभी भी तो आप कीजिए। आपको बहुत सारी चीज ऐसी है जो कभी भी आपने देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, ऐसी चीज आपको सीखने को मिलेगी। जैसे मैंने लर्निंग स्टार्ट किया तो मैं ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ्स को मैं लिखता था, सुन के लिखता था, तो तब मेरे को मालूम पड़ा कि ये 1-2 हम स्कूल में जो पढ़ते हैं तो वहां पर तो वो ना बोलते हैं, आई वांट टू गो नाउ, सो आई वांट टू गो नाउ, 1-2 गो नाउ। सो ऑन पेज एंड व्हाट इज एक्चुअली स्पोकन देयर एब्सोल्युटली डिफरेंट। मेरे टीचर की जो वेबसाइट मैंने आगे आपको बताई थी, वो जंगल वाली जो थी, तो उसके अंदर वहां पर एक उनकी वेबसाइट पे एक फ्रेज दिया है, मैं बोलता हूँ वो, आप मुझे बताइए क्या है, ड्रामा दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर से बोलूंगा मैं, ड्रामा दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर ऐसा रियल लाइफ में कोई बोलता है और आपको सुनना है तो आपको, आप सोचेंगे क्या बोल दिया है। तो ये सब चीज जो है वो आप इंटेंसिव लिसनिंग करने के बाद ही आएगी। तो ओरिजिनल जो फ्रेज था, ड्रामा एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। लेट मी सी, वो लोग बोलते हैं लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी बोलते हैं, लेट मी सी, गिव मी सम टाइम, गिव मी, इन प्लेस ऑफ गिव मी। सो इन अवर स्कूल एंड कॉलेज वी टीच स्टूडेंट्स टू स्पीक क्लियरली, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली स्पोकन, बट व्हेन दे मीट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश दे आर सरप्राइज्ड, समटाइम्स अमेज्ड एंड समटाइम्स शॉक्ड, because native speakers of English, they often speak only some, they touch some sounds, that's it, right? So intensive listening will help a lot. Speaking, I'll just tell you one thing about every skill. One thing, speaking, many people say that mere ghar mein koi English nahi bolta, main kiske saath practice karu, mere colony mein koi nahi hai, mere school mein koi nahi bolta. You don't need a partner. Believe me, you don't need a partner to practice speaking. What is important is your input. How much good quality language you listen and read, that is important. Speaking is an automatic process. It is an automatic output. It will automatically happen. You just have to focus on your input. Reading, the more the better, and good quality reading. I'm not talking about reading material that is prepared by Dharmendra Sheth or Chetan Patel or Sagan Patel, right? That standard, authentic material. Writing is the highest, you know, the most difficult skill. I wouldn't recommend writing initially, right? If you spend 1 hour, well, sorry, 1 year on intensive study of the language, after that only you should try to write. Don't write till that time. Writing is the most difficult skill. And along with skills, you require 3 systems. Vocabulary development ki bahut sari methods hai. Agar aapko meri website ke address agar dikh raha hai screen pe, www.fluentlingua.com, to ye website pe agar jayenge to aapko milenge bahut sare free material. Ek section hi hai, free material section. To uske andar vocabulary ke liye audio hai, video hai, bahut sari चीज आपको मिल पाएगी उसके अंदर। वोकैबुलरी की सिर्फ एक मेथड में बता देता हूँ, एटिमोलॉजी।
इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स फॉरेन रूट से आते हैं। तो जैसे पोर्ट एक रूट है, लैटिन रूट पोर्ट, समंदर के किनारे जो पोर्ट होता है, सूरत भी हमारा एक पोर्ट है, मुंबई भी एक पोर्ट है, राइट। तो ये पोर्ट हुआ, तो पोर्ट में जो भी कुछ आता है तो हम बोलते हैं इम्पोर्ट। पोर्ट से अगर कुछ जाता है तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। कोई क्रिमिनल है, यहाँ से हम देश निकाल कर देते हैं तो हम बोलेंगे डीपोर्ट। कोई इवेंट हुई है न्यूज़पेपर में, उस नेक्स्ट डे हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो हो गया रिपोर्ट। अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं तो वो हो गया पोर्टेबल। मैं सूरत में कुछ बनाता हूँ, मेरे को जामनगर भेजना है तो ट्रांसपोर्ट में भेजूंगा। मेरे को अमेरिका जाना है तो मेरे हाथ में सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट, बाद में पासपोर्ट लेके मुझे जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, राइट। तो ये सब वर्ड्स के अंदर मूल जो जो बेसिक वर्ड था वो फॉरेन वर्ड था, वो है पोर्ट। तो वैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स, ये जो मेरे मैंने अभी पहना है वो क्या है, स्पेक्टिकल्स, राइट। स्पेक्टिकल्स में रूट जो है वो स्पेक्ट है। स्पेक्ट मतलब लैटिन लैंग्वेज में उसका मीनिंग होता है देखना। अगर आप सोचेंगे स्पेक्ट के ऊपर से इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स है, और सब वर्ड्स का मीनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने से लगता है। जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोमीटर, रिस्पेक्ट। मेरे टीचर्स का मैंने अभी आपको फोटोग्राफ दिखाया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं बार बार उनको देखता हूँ। तो री मीन्स बार बार, एंड स्पेक्ट मीन्स देखना। अगर आप क्रिकेट के स्टेडियम में जाएंगे तो आप स्पेक्टेटर हो जाएंगे, राइट। अगर कोई क्रिमिनल है तो आप सस्पेक्ट करेंगे, डाउट करेंगे, राइट। अगर कई बार बोलेंगे ये लॉकडाउन में हम सब घर में बैठे हैं तो हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, तो अंतः अवलोकन जैसे बोलते हैं। कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अगर खराब हो गया तो हम रेट्रोस्पेक्शन करेंगे, राइट। तो स्पेक तो एक ही है, उसके ऊपर से कितने सारे वर्ड बन गए। तो ऐसे 21 वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए मेथड्स मैंने एक वीडियो में बनाई है, वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। यूट्यूब चैनल भी हमारी फ्लुएंट लिंगुआ यूट्यूब चैनल पे भी वो देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज वोकैबुलरी में आप बता सकते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट देखेंगे ग्रामर। ग्रामर में एक ही बात मैं कहूंगा, ग्रामर इज नॉट द एंड, ग्रामर इज अ टूल टू कन्वे योर मीनिंग। सो ग्रामर इन यूज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रामर टेस्ट के लिए नहीं बना ग्रामर, वो लैंग्वेज में यूज करने के लिए बना है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ ही इज स्टूपिड, और अगर मैं बोलता हूँ ही इज बीइंग स्टूपिड, तो ग्रामेटिकली दोनों डिफरेंट हो गए। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मेरे को डिफरेंट मीनिंग बताना है। अगर मैं बोलता हूँ ही इज स्टूपिड मतलब वो हमेशा ऐसा ही है, अगर मैं बोलता हूँ ही इज बीइंग स्टूपिड तो मतलब टेम्पररी अभी उसकी बिहेवियर मुझे ऐसी लग रही है, हमेशा ऐसा नहीं है। सो ग्रामर इज टू कन्वे मीनिंग। और लास्ट जो प्रोनाउंसिएशन की बात हमने की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, माय फेवरेट एरिया, राइट। आई एम वेरी कीन ऑन प्रोनाउंसिएशन, एंड योर प्रोनाउंसिएशन स्टडी शुड स्टार्ट विद द वर्ड प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज मेनी पीपल स्पीक इट डिफरेंटली। कोई बोलता है प्रोनाउंसिएशन, कोई बोलता है कुछ भी बोल देता है, बट यू ट्राई टू रिमेम्बर इट इज प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस ऑन ए, प्रोनाउंसिएशन, राइट। सो मैंने बहुत बोल दिया, अभी आपकी बारी है। थैंक यू वेरी मच। बाद में मुझे वक्त अपॉर्चुनिटी मिले कि नहीं मिले, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरी वन, पार्टिसिपेंट्स, ऑर्गेनाइजर्स, आई थरली एंजॉयड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑडियंस पार्टिसिपेशन। बहुत ही बढ़िया ऑडियंस अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू। नाउ द फ्लोर इज ओपन टू विशाल एंड योर टीम। यस सर। या Can I stop sharing my presentation? ખૂબ સરસ સર, રસપ્રદ આખું વક્તવ્ય રહ્યું. આપણી સાથે જોડાયેલા ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ એ પ્રશ્નો પૂછવા માંગે છે. ઓકે. આમ તો તમારા વક્તવ્ય દરમિયાન તમે ઘણા બધા આપણી સાથે જોડાયેલા કેટલાક પાર્ટિસિપેટના પ્રશ્નો છે, એમાં સૌથી પહેલા દર્શિત ટાંક એ પોતે પોતાનો ઓડિયો અનમ્યુટ કરી અને લાઈવ થઈ પોતાનો પ્રશ્ન રજૂ કરે. દર્શિત ટાંક. આપણા બીજા પાર્ટિસિપેટ છે નીરવ ભટ્ટ.
એમને પણ પ્રશ્ન છે, તો એ પોતાનો ઓડિયો અને વિડિયો અનમ્યુટ કરી અને પોતાનો પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. પાર્ટિસિપેટ્સ પોત નીરવ ભટ્ટ એમનો ઓડિયો અનમ્યુટ કરી અને પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. નીરવ ભટ્ટ. યસ મેડમ, યસ મેડમ. ગુડ ઇવનિંગ સર, વેરી ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ વેરી ગુડ વેબિનાર સર. સર, માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ કેન યુ પ્લીઝ સજેસ્ટ અ ફ્રી સાઇટ ફોર નોન નેટિવ લર્નર્સ ઓફ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ સર? યસ, ધેર આર ઇનફેક્ટ હન્ડ્રેડ્સ ઓફ વેબસાઇટ્સ. આપ એક બીબીસી કી જો લર્નિંગ ઇંગ્લિશ વેબસાઇટ પે જાયેંગે તો ઉસકે ઉપર ઇતના મટીરિયલ હૈ બીબીસી કી લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. bbc.co.uk/learningenglish. તો યે વેબસાઇટ પે ઇતના મટીરિયલ હૈ કે આપ 25 સાલ તક ભી સ્ટડી કરેંગે ને તો ભી યે ખતમ નહીં હોગા. ઇતના મટીરિયલ દિખા હૈ વહાં પે. જૈસે બ્રિટિશ કાઉન્સિલ કી ભી એક વેબસાઇટ હૈ, ઉસકે ઉપર ભી બહોત સારા મટીરિયલ દિખા હૈ. લાઇક मटेरियल की आज कोई कमी नहीं है. वैसे हमारी वेबसाइट fluentlingua.com पर भी आप जाएंगे, फ्री इंग्लिश स्टडी मटेरियल दिया है. कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई ईमेल नहीं डालना आपको, कोई लॉगिन नहीं करना, सीधा आपको जाके यूज ही करना है. और यहाँ ग्रुप में दिलीप है क्या? दिलीप आ रहे दिलीप आज मीटिंग में है क्या? नहीं, नहीं है. हमारे बहुत अच्छे दोस्त है દિલીપ કે પાસ. અગર આપ પૂછેંગે તો થાઉઝન્ડ્સ ઓફ વેબસાઇટ્સ આર અવેલેબલ. મતલબ મટીરિયલ તો આજ પ્રોબ્લેમ નહીં, આજ પ્રોબ્લેમ હૈ હાઉ ટુ લર્ન. જૈસે મેરે પાસ જો સ્ટુડન્ટ આતે હૈ ને ઇન્ક્વાયરી કરતે હૈ તો વો તીન ટાઈપ કે સ્ટુડન્ટ્સ આતે હૈ. એક જો મેરે પાસ આકે પૂછતા હૈ કેન આઈ લર્ન ઇંગ્લિશ, એક ટાઈપ કે સ્ટુડન્ટ હો ગયા. તો મેં ઉનકો બોલતા હું નહીં, આપ નહીં સીખ પાએંગે. દૂસરા એક સ્ટુડન્ટ આતા હૈ, वो पूछता है कि हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश. तो मैं बोलता हूँ कि चलो आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा. और तीसरा एक स्टूडेंट रहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश. तो तीसरा जो होता है वो गारंटेड सीखने ही वाला है, क्योंकि पहला जो है वो बोलता है कैन आई लर्न इंग्लिश, तो मतलब डाउट है, तो वो नहीं सीख पाएगा. दूसरा हाउ तो उनको मालूम है कि सीख तो सकूंगा, लेकिन कैसे सीखना है वही मेरे को करना है, तो वो भी पॉजिटिव है. और तीसरा वो तो कॉन्फिडेंट है, आना ही है, सिर्फ मुझे टाइम ही बता दो. તો આજ અગર આપકો સીખના હૈ તો મટીરિયલ તો બહોત સારા ઓનલાઈન અવેલેબલ હૈ, રાઈટ? ઓર કિસી કો અગર પર્સનલ કુછ સ્પેશિયલ મટીરિયલ ચાહિયે તો આપ મુજે ઈમેલ યા વોટ્સએપ ભી કર સકતે હૈ, તો આઈ વિલ રિસ્પોન્ડ ટુ ધેટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. માય પ્લેઝર. ધર્મેન્દ્ર સર, આઈ વુડ બી ટેકિંગ ઓવર એઝ ધેર ઇઝ ધીસ ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોબ્લેમ, સો પારુલ બેન વુડ નોટ બી એબલ ટુ આસ્ક ક્વેશ્ચન. યુ કેન આસ્ક. યસ યસ યસ. There is one more question from Mittal Patel. If she is around, she yes, can directly ask the question. Mittal Patel. Hello. Yes, go on. Yeah. Sir, I just wanted to know that there are so many spoken English classes going around. But yes, actually, do you feel that they are actually helpful in learning the language? Because I feel personally that practice is more important now. To what extent do you feel that they are useful? Okay, now probably you are asking this question to the wrong person, because that we also have spoken English classes. But the point is that anyone who helps you to improve your English, right, if there is somebody who is ready to help you, take that person's help, no problem. But finally it is you who have to decide. Aapko decide karna hai kya use karna hai, kaise use karna hai. ये जो अभी पिछला जो सवाल था ना कि कौन सा मटेरियल है, कहाँ से मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज दैट मटेरियल. जैसे डिक्शनरी की बात करते हैं, आई एम श्योर एवरीवन हैज अ डिक्शनरी, राइट? ऑनलाइन भी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लॉन्गमैन, मैकमिलन, सबकी डिक्शनरीज अवेलेबल होती है. लेकिन आप मानेंगे नहीं, मेरे जो एक टीचर है, मेरे जो स्क्रीन पे हमने पहले दिखाया था, मिसेस मीरा मराठे, उन्होंने हाउ टू यूज अ डिक्शनरी ये टॉपिक के ऊपर 2 घंटे का वर्कशॉप किया था. और पार्टिसिपेंट्स कौन थे? सीनियर लेक्चरर्स इन इंग्लिश. तो उन लोगों को उस दिन मालूम पड़ा कि डिक्शनरी में इतनी सारी चीज होती है, और दिस इज द वे वी कैन यूज अ डिक्शनरी, राइट? सो आप कहां से भी सीखते हैं उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वन थिंग आई विल टेल यू, एक बात मैं आपकी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्लासेस हुए हैं जहां पर
विदाउट एनी प्रॉपर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कोई भी पढ़ाने बैठ जाता है, कोई भी डिग्री हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, राइट, तो वो आपको तकलीफ दे सकते हैं. लेकिन अगर कोई अच्छा क्वालिफाइड पर्सन हो, एक्सपीरियंस है, हु इज अ रियल गुड यूजर ऑफ इंग्लिश, तो वहां पर जाके थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं. वन थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड दैट नो शॉर्ट टर्म कोर्स फॉर 3 months और 6 months और इवन फॉर 1 year कैन मेक यू अ मास्टर ऑफ दैट लैंग्वेज. लैंग्वेज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. स्पोकन इंग्लिश क्लास में जाओ या घर पे करो या नेट पे करो या कॉलेज में करो, कहीं पर करो, कहीं पर भी करो, लैंग्वेज लर्निंग डिमांड्स टाइम एंड अटेंशन. थैंक यू सर सो मच. थैंक यू सर. दिस वन क्वेश्चन फ्रॉम जूली व्यास. जूली, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. जूली व्यास, जूली व्यास इज अराउंड. Okay, I'll ask the question because it is a very interesting one, sir. Okay, go ahead. She's asking why is language considered to be so powerful in terms of communicating? So that is her question. Are you talking about the English language? Yes, sir. Yeah. So you are comparing English with other languages. Yeah. In that sense, English is so-called powerful language, right? Now, I'm sure many people will agree with me that linguistically all languages are equal. मैंने जो अभी इंग्लिश के बारे में आपको बताया कि इलॉजिकल जो है, तो वैसी बहुत सारी इलॉजिकल थिंग्स हमारे लैंग्वेज में भी है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, राइट. हम सिस्टमेटिक स्टडी करें तब हमको मालूम पड़े कि इसके अंदर ये चीज है. इनफैक्ट हमारी अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत तो मोर साइंटिफिक देन इंग्लिश. फिर भी इंग्लिश पावरफुल क्यों मानी जाती है? क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय इकोनॉमिक पावर. जो कंट्रीज इकोनॉमिकली पावरफुल रहेंगे उसकी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. 5 साल पहले कभी मेरे पास, मेरी तो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, मेरे यहाँ लैंग्वेजेस चलती है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, मेरे पास 5 साल पहले कोई भी स्टूडेंट कभी भी चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं आता था. और पिछले 5 साल में मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी डे एक इंक्वायरी आती थी कि भाई चाइनीज आप सिखाते हैं? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां पर इकोनॉमिक जो पावर्स होता है, मिलिट्री पावर्स होता है, वो सब पावर्स लैंग्वेज को पावरफुल करते हैं. लैंग्वेज में इंटरनल ऐसा कुछ होता नहीं है. It is not because of the English language or features of the English language that it has become powerful. No. All languages are equal in that sense. Thank you, sir. Now, there is one common question of Ahuti and Shivani Solatia. Shivani, if you can unmute yourself and ask the question. Shivani? Hello, sir. Yes. Please go ahead. Sir, इंग्लिश समझ में आवी जाय छे ने समझी पण લઈએ છે પણ એને ઇફેક્ટિવ રીતે બોલી નથી શકતા. રાઈટ. માટે શું કરવું જોઈએ? ઓકે. અ ગુડ ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ. કારણ કે મારાનો એક જવાબ પરનો પ્રેઝન્ટેશન માં રહી ગયો હતો, આમાં આપી દઉં છું. કોઈ પણ લેંગ્વેજ સ્ટડી તમે કરો ને, તો તમે એની સરખામણી તમારી માતૃભાષાના અભ્યાસ સાથે કરો. તમે માતૃભાષા કેવી રીતે શીખ્યા? તમે 1.5 વર્ષે સીધા સારું ગુજરાતી બોલતા થઈ ગયેલા? નહીં. તમે પહેલા 2 વર્ષ 2.5 વર્ષ સુધી માત્ર ને માત્ર શું કર્યું? હિયરિંગ કર્યું. લિસનિંગ પણ નહીં, માત્ર હિયરિંગ. લિસનિંગ તો સમજવાનું આવે ત્યારે લિસનિંગ આવે, પણ પહેલા તો માત્ર હિયરિંગ જ કર્યું ને. ખાલી અવાજ જ તમારા કાન પર પડ્યા, તમારી આજુબાજુ તમારા ફેમિલીના બધા વ્યક્તિઓ બોલ્યા, પડોશીઓ બોલ્યા. પીપલ સ્પોક ઇન ઓલ કાઇન્ડ ઓફ વેઝ, રાઈટ. સિસ્ટમેટિક્સ ગ્રેડેડ તો બોલ્યા જ નથી ને. તો એ બધું તમે જે 2.5 વર્ષ સુધી સાંભળ્યું, એને કારણે તમારું મગજ એટલું શક્તિમાન બન્યું કે તમે ગુજરાતી ભાષા 3 કે 3.5 વર્ષે તમે એકદમ સાહજિકતાથી ફ્લુઅન્ટલી તમે બોલી શક્યા. તો એની કમ્પેરિઝન તમે ઇંગ્લિશ સાથે કરો. ઇંગ્લિશમાં તમે આટલું સાંભળ્યું છે કરો. તમે નોર્મલી શું થાય, વિદ્યાર્થીઓ કંઈ પણ સાંભળવાનું સ્ટાર્ટ કરે અને અઘરું લાગે એટલે એને સાઈડ પર મૂકી દે.
રાઈટ. એ જંગલ લિસનિંગ જ્યાં સુધી નહીં થાય અને જંગલ રીડિંગ જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ ભાષા પર પ્રભુત્વ નહીં આવે. તમે ગુજરાતી બોલતા થયા કારણ કે 2.5 વર્ષ છે તમે બહુ જ બધું કેઓસ હતું, કેઓસ એકદમ અંધાધૂંધી ભરેલું તમે સાંભળેલું, અને એને કારણે તમારા મગજમાં એક ડિવાઇસ આવે છે. સાયન્ટિફિકલી એક પ્રૂવ થઈ ગયું છે, તમે કદાચ કોઈ લિંગ્વિસ્ટિકનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો ખ્યાલ હશે કે નોમ ચોમ્સ્કી નામના એક વૈજ્ઞાનિકે, લિંગ્વિસ્ટ હતા એ રહે, લેંગ્વેજ સાયન્ટિસ્ટ હતા, તેમણે સાબિત કર્યું કે એવરી નોર્મલ હ્યુમન ચાઇલ્ડ ઇઝ બોર્ન વિથ અ ડિવાઇસ ઇન ધ બ્રેઇન વિચ ઇઝ કોલ્ડ LAD, લેંગ્વેજ એક્વિઝિશન ડિવાઇસ. હવે એ તમારી ડિવાઇસ છે એ એક્ટિવેટ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે બહુ જ બધું નોર્મલ નેચરલ સ્પોન્ટેનિયસ ફ્લુઅન્ટ લેંગ્વેજ સાંભળે ત્યારે. તો તમારે 1 વર્ષ સુધી અત્યારે માત્ર ને માત્ર સાંભળ્યા જ કરો. સ્પીકિંગ ઇઝ એન ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ. સ્પીકિંગ પર ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિસ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. રાઈટ, ઇમ્પ્રુવ યોર કોન્ટેન્ટ, યોર લેંગ્વેજ, યોર ગ્રામર, યોર વોકેબ્યુલરી, યોર પ્રોનાઉન્સિએશન, એન્ડ ઓટોમેટિકલી યુ વિલ સ્ટાર્ટ સ્પીકિંગ. થેન્ક યુ સર. Thank you. Krishna wants to ask a question. Krishna? Krishna around? Krishna? I don't think so. She is around. No problem. Anyone else wants to ask a question? They are free to ask. We have five more minutes with sir. Yes. You can unmute and ask if you want. Yes, yes, you can. Absolutely. Mm. Unmute yourself and ask the question if you have any. Sir, there is one request from all the participants. It was in the chat box regularly. Okay. That they require your PPT if you allow us to have a PPT of yours. They want to... I can share it right away. Yes, sir. One thing I would like to tell you that there are no secrets in language learning. Everything is available. Absolutely. Right? Yeah. But I don't think I have that facility to share in my chat box now. I'll send it to you via... on my email, sir. I'll be texting you my email. You can send it to me. Okay, fine. Thank you, sir. Or WhatsApp also, it's fine. I'll do that. Yeah, it's fine. Yes, you can pass it on to all the students. Another demand of the participants was that they want one more session of yours. So, my pleasure. Anytime. After some time, I would be in contact with you, absolutely. Sure. So, and in fact, anyone, those who are interested, you can, I'm typing my number here. Yes, sir. I've sent my number. Whenever you have any doubt, you can send me a WhatsApp message. I guarantee I will listen to all your questions, but I cannot guarantee I will answer all your questions. Because as you know, English is a very strange language, right? Yeah, absolutely. But we'll together struggle and we'll try to find out. I'm just a senior learner. That's it. Thank you. It was absolutely wonderful to listen to you, sir. Now I am handing it over to Parul Ben for the official vote of thanks. Thank you for your time, sir. My pleasure.